चालू हो गई कोरोना वायरस की तीसरी लहर। तीसरी लहर मचाएगी बड़ी तबाही, हो जाइए सावधान। केवल मेट्रो शहरों में मिल रहे हैं 75% ओमिक्रॉन के केस। परिजन के संक्रमित होने के बाद प्रियंका गांधी आइसोलेट। नमस्कार, स्वागत है आपका खरबाजी केस अड्डे पर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर भारत में चालू हो चुकी है, यह खुलासा चिताते हुए कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा ने किया है। उन्होंने सोमवार 3 जनवरी 2021 को एक अंग्रेजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान बताया कि हिंदुस्तान साफ तौर पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर से गुजर रहा है, जबकि महानगरों में सामने आने वाली 75% मामले ओमिक्रॉन के हैं। डॉक्टर अरोड़ा बोलते हैं, भारत स्पष्ट तौर पर कोरोना की तीसरी लहर में, पूरी लहर एक नए स्वरूप में संचालित है, यह वेरियंट ओमिक्रॉन है। वैक्सीन को लेकर आगे उन्होंने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया कि 15 से 18 साल के बच्चों को दिए जा रहे टीका, जिन्हें कोविड विरोधी वैक्सीन मिलना शुरू हो गए हैं, असुरक्षित हो सकते हैं क्योंकि खुराक की शेल्फ लाइफ बढ़ गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के परिजन हुए कोरोना से संक्रमित। इसी बीच कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार 3 जनवरी 2021 को खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल उनके परिवार के एक सदस्य और एक स्टाफ में कोरोना वायरस संक्रमण की एक दिन पहले यानी रविवार को पुष्टि हुई थी। इसके बाद एहतियाती तौर पर वाड्रा ने यह कदम उठाया। हालांकि उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उनकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।